आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रिशियन मैन को क्यों करंट नहीं लगता, इसका क्या रीजन है? इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे और आपको समझाएंगे। जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली बहुत ही गजब की है। आप हमारे चैनल पे नए होते सब्सक्राइब एंड लाइक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रेगुलर अपडेट देख। अगर हम इलेक्ट्रिशियन मैन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिशियन मैन एक प्रकार का आदमी है, उसको करंट लगना जाहिर सी बात है। लेकिन ये कौन सा ऐसा मैकेनिज्म यूज करके उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वो इस चीज में बहुत ही एक्सपर्ट लोग रहते हैं। एक्सपर्ट रहने के कारण उनको जो काम रहता है वो उनका रेगुलरली रहता है और इनको करंट लगना आम सी बात है, क्योंकि ये अपने कामों में बहुत ही एक्सपर्टली रहते हैं और इनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है। अगर हम बात करें इनको करंट क्यों नहीं लगता, मेनली वो जो काम करते हैं उसमें कैसे रबर के चप्पल उतार के उसके ऊपर खड़े रह के वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं शरीर में बहने का चांसेस नहीं रहता। जब भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो प्लस में से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसके वजह से वो सर्किट कंप्लीट होता है और इसके वजह से अपने को करंट लगता है। इसके वजह से बहुत ही चांसेस कम रहते हैं चप्पल पे खड़े रहने के कारण कि करंट लगता है। इसलिए आप कभी भी देख सकते हो जब भी कोई वायरमैन काम करता है तो वो चप्पल के ऊपर खड़े रह के अपना काम और वर्क कंप्लीट करता है, उसके वजह से उसको करंट नहीं और वो इजी तरह से अपना काम कंप्लीट कर लेता है। और अगर आप कभी ऐसे घर पे ट्राई करोगे तो कभी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले लोगों का काम रहता है, इसके वजह से ये ट्राई करना पॉसिबल नहीं।